दोस्तों आपने सुपर हीरोज की मूवीज तो बहुत सारी देखी होगी जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, विलन्स को मारते हैं, पर गाइस क्या आपने एक ऐसा कॉमन मैन देखा है जो एक आम आदमी होते हुए भी सुपर हीरो वाले काम करता है? तो गाइस हम आज ऐसी ही एक सीरीज का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है डेयर डेविल, एंड साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसे फ्री में कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक एक बार जरूर देख लेना। सो गाइस सीरीज के टोटल 3 सीजन अब तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुके हैं, पर गाइस ऑनेस्टली मैं आपके लिए सिर्फ सीजन 1 का रिव्यू करूंगा क्योंकि मैंने अभी तक यही देखा है। एंड हाँ, मैं इसके सीजन 2-3 भी देखूंगा क्योंकि यार जिस तरीके से सीजन 1 एंड हुआ है उसके लिए तो 2 और 3 देखना बनता है। नाउ गाइस बताते हैं इसकी स्टोरी पे। तो इसकी स्टोरी एक लड़के के अराउंड लिखी गई है जिसका एक एक्सीडेंट हो जाता है, एंड एक्सीडेंट में उसकी दोनों आंखें खराब हो जाती है, यानी कि वो टोटली ब्लाइंड हो जाता है। एंड उसके पापा जो है बॉक्सर होते हैं, पर उनके पेशे में उनको मार ज़्यादा मिलती है और पैसे बहुत कम मिलते हैं, तो बहुत कठिनाइयों से उसका जीवन गुजरता है। पर गाइस वो जब बड़ा हो जाता है तो वो फैसला करता है दूसरों की मदद करने का, एंड अंधे होने के बावजूद भी ये काम करता है। एंड वो एक मतलब बहुत ज़्यादा हिम्मती आदमी होता है, इसलिए सीरीज का नाम शायद डेयर डेविल रखा गया है। इस सीरीज की अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं, तीनों ही सीजन में टोटल 13 एपिसोड हैं जो कि लगभग 40 से 50 मिनट के हैं। एंड अगर सीरियसली बोलूँ तो आपको पहला एपिसोड ऐसा लगेगा मतलब आप छोड़ दोगे इसको देखना, पर यार जैसे जैसे आप इसको देखते रहोगे वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट इसमें डबल होता जाएगा। ये वेब सीरीज उन सीरीज में से नहीं है जो कि आपको फर्स्ट एपिसोड से हुकअप कर ले, पर आप थोड़ा पेशेंस रखते हो तो आपको कुछ डेफिनेटली नया देखने को मिलता है एंड कुछ अमेजिंग देखने को मिलता है। नाउ गाइस बात कर लेते हैं सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉइंट की। पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि सीरीज को बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, यानी कि आपको थोड़ा बोर तो करती है पर अगर जैसे जैसे आप इसको देखोगे तो आपका इंटरेस्ट तो बनता रहेगा। एंड इसमें जो कैरेक्टर्स की एक्टिंग वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगी आपको, जो स्टोरी है वो जिस तरीके से आगे बढ़ती है आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर बात करें नेगेटिव पॉइंट की, तो नेगेटिव पॉइंट यही है कि यार सीरीज जो है थोड़ी स्लो पेस में चलती है स्टार्टिंग में, पर वो भी कोई इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से। एंड यार थोड़ा जो इसकी जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग थोड़ी सी वीक लगी मुझे, बाकी इसमें कोई भी नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलता। एंड ओवरऑल सीरीज मेरे लिए एक मस्ट वॉच सीरीज है, और इस सीरीज की IMDb रेटिंग है 10 में से 8.6 जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड गाइस मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा और डिजर्व करती है, पर शायद थोड़ा सा बोरिंग होने की वजह से इसको थोड़ी सी कम IMDb रेटिंग मिली है, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी है। एंड मैं आपके लिए भी रिकमेंड करूँगा कि आपको एक ना एक बार तो इसे ज़रूर देखना चाहिए। एंड गाइस ये सीरीज को देखने के पीछे मेरे 2 बड़े रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न ये है कि इसमें मार्वल का नाम जुड़ा है, एंड मार्वल की कोई भी मूवी अभी सीरीज आए मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करता हूँ। एंड दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि प्रशांत शर्मा नाम के एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे रिकमेंड किया था इसका रिव्यू करने के लिए, तो गाइज़ इसलिए मैंने इसका रिव्यू किया। एंड गाइज़ मुझे कोई भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई है सीरीज़ देखे, तो प्रशांत भाई आप इसे ज़रूर से ज़रूर वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी मूवी या सीरीज़ का रिव्यू करना है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना। एंड हाँ, एक और बात कि आप इस सीरीज़ को फ्री में कैसे देख सकते हैं, तो गाइज़ आप moviesrush.in नाम की साइट पर जाकर इसे फ्री में देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप कर सकते हैं। तो फिर आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए तहीं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।